लॉकडाउन के दौरान जिस ढंग से इस प्रदेश के अंदर लूट मची थी, 9 बड़े घोटाले किए थे, जिनमें से 2 के ऊपर सरकार की तरफ से इंक्वायरी कराई गई। एक तो रजिस्ट्री का जो घोटाला है, जिस रजिस्ट्री के घोटाले में 300 से ज्यादा लोग शामिल है, और हमने कहा कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो, अगर सीबीआई जांच करे, आज तो अधिकारियों पर ठीकरा पड़ा जा रहा है। जहां अधिकारी इसमें दोषी है, वहीं इसमें मिनिस्टर भी उतना ही दोषी है। मिनिस्टर ने किसी भी एक तहसीलदार को कहीं जो पोस्टिंग हुई, बिना पैसे के एक भी पोस्टिंग उसमें नहीं की। सारी की सारी पोस्टिंग जब करी गई, आयात होटल के अंदर एक व्यक्ति को अपने दलाल के रूप में बैठा करके और तहसीलदारों को वहां पे बुलाया गया, और वहां उनको कहा कि आपकी मनचाही पोस्टिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पार्टी को पैसा देना पड़ेगा, और वहां पैसा लेकर के उनकी पोस्टिंग करी गई। जहाँ वहाँ रजिस्ट्री में ये घोटाला हुआ, पैसे का लेन देन हुआ, वहीं एक चीज अब तो बिल्कुल खुल करके सामने आ गई। जो एक्साइज का मामला था, जो शराब का घोटाला हुआ था, जब आप लोगों ने अपने टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार से जब इस खबर को आपने छापा और दिखाया, और जब हमने इस बात की मांग करी कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो पहले तो जांच कराने में ही सरकार ने कैसे इसकी लीपापोती हो सके, उसके लिए होम मिनिस्टर ने तो एसआईटी का गठन किया, और चीफ मिनिस्टर ने एसआईटी को बदल के एसएटी का गठन कर दिया। जहां एसएटी का गठन किया, उसी दिन ये साबित हो गया था कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपने मंत्री को बचाना चाहता है, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे लीपापोती करना चाहता है। उसके बाद एससीटी की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को जहां पब्लिश करना चाहिए था, जहां उसकी रिपोर्ट के आधार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्होंने इसको पब्लिश करने की बजाय, उस रिपोर्ट में कौन दोषी थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, एक विजिलेंस की, एक पहले उसमें एक अधिकारी से जांच बैठाई गई, उस रिपोर्ट को बारीकी से अध्ययन कराया गया, और फिर उसके बाद उसके ऊपर विजिलेंस से जांच कराई गई। और उस विजिलेंस में खास करके जो श्रीकांत यादव जो आईपीएस अफसर है, उसको उसका हेड बनाया गया, उसके साथ उसके 2 और ऑफिसर्स लगाए गए। उसने जो अपनी जांच करी है, मैंने अपने सूत्रों से जानकारी दी है, उस जांच के अंदर 2 लोगों का प्रमुख रूप से नाम आया है। एक तो एटीओ है आनंद मलिक, जिसने जितने भी ये आपको एटीओ या कोई आपके इंस्पेक्टर एक्साइज के या कोई ईटीओ एक्साइज के जिनकी पोस्टिंग करानी थी, उस आदमी के माध्यम से पैसा लिया गया, और उस पैसे के लेन देन में एक लड़का है मीनू नाम का, जानते होंगे आप सारे, जानते हो कि नहीं जानते, सेक्रेटरियट में बैठता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कमरे के सामने वाले कमरे में बैठता है, अनऑफिशियली ऑफिस दिखा दे करके उसको हम बिठाया हुआ है, 4-6 लोग वहाँ बैठते हैं, और वो सारा दिन कैसे पैसे ऐंठे जाए, कैसे कमीशन लिया जाए, इन दोनों लोगों ने पैसे लेकर के पोस्टिंग करवाई, और पैसे लेकर के जिनकी पोस्टिंग हुई, उन बहुत सारे अधिकारियों ने श्रीकांत यादव के सामने ये बात जो है मानी, उन्होंने मानने के बाद जब श्रीकांत यादव ने उनसे ये कहा
कि आप लिखित में दो कि हमने इतना इतना पैसा दिया है। तो उनका आगे से जवाब था कि अगर हम आपको लिख करके दे देंगे तो ये बिनू बैणी वाल जाए, ये बदमाश है और ये हमें तुरंत मरवा देगा। उसके बाद श्रीकांत यादव की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आएगी उसमें आप देखना, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो यूं के यूं लिखी होगी, उसमें साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है यादव की तरफ से कि मुझे बहुत सारे अधिकारियों ने ये बताया है कि हमारे से इस तरह से पोस्टिंग के नाम के पैसे लिए गए, और पोस्टिंग के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री से बी शब्द का कोड लिखा गया है। बी का मतलब है कि जो बिना लाइसेंस की जो दारू है, बिना परमिट की जो दारू है, वो दारू उन्होंने फैक्ट्रियों से निकाली और उसको बेचने का काम किया। इसकी अगर सीबीआई जांच हो और अगर होम मिनिस्टर निष्पक्ष है, होम मिनिस्टर कहता है कि भी मैं दोषियों को सजा दिलाऊंगा, तो फिर होम मिनिस्टर को भी तुरंत इस रिपोर्ट को है जो आपको पब्लिश करना चाहिए, बताना चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन लोगों को तुरंत अरेस्ट करके जेल में बंद करना चाहिए। आज किस तरह से खुली छूट लूट मची हुई है इस प्रदेश में, आपको हैरानी होगी सुनकर के मुख्यमंत्री की मौजूदगी के अंदर ये जो PWD BNR के जो ठेकेदार होते हैं ना, जो 500-700 हजार करोड़ का काम लेते हैं, उनकी चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई, और चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुला करके उनसे पूछा कि भाई आप लोगों को काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वहां चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में एक ठेकेदार ने खड़े होकर के कहा कि 5% पहले देना पड़ता है, काम बाद में अलॉट होता है, 5 पहले देते हैं, 3-4% जब फिर तुम्हारे अफसर लेते हैं, यहाँ कैसे काम कर सकते हैं। पंचायती राज का अगर किसी को किसी गांव के लिए पैसा लेना है तो सेक्रेटरी में चले जाओ, दलाल बैठे मिलेंगे, 2% लेते हैं, चाहे करोड़ ले लो, चाहे 5 करोड़ ले लो, चाहे कितना ही ले लो, 1 मिनट में पैसा लौट होता है। आज कोई डिपार्टमेंट ऐसा दूध से धुला हुआ नहीं है इनका, जिस डिपार्टमेंट के अंदर दलाल ना हो और जिस डिपार्टमेंट में कमीशन फिक्स ना हो।